एकता टीवी विच आप जी का स्वागत है। अज जिथे पूरे सूबे अंदर कांग्रेस सरकार खिलाफ अकाली दल के कारकुनों वालों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस लड़ी तहत अज हलका आदमपुर के विधायक श्री पवन कुमार टीनू वालों पूरे हल्के थां थां धरने प्रदर्शन किए गए। अज इस लड़ी तहत किशनगढ़ विखे उन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिथे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार वालों जो गरीब लोगों के हक मारे गए हैं, जिमें नीले कार्ड कट्टे गए हैं, सघन स्कीम के 51,000 नहीं दिते जा रहे, गन्ने की बकाया राशि और यहोजियां अनेक जो स्कीम ने सरकार ने बंद कीतियां, गरीबों के हक मारे गए हैं। इस खिलाफ टीनू ने रज के सरकार को कोसा तो क्या भी है, जी सरकार है घोटालेबाजा की सरकार है। और सुनद होर की गया श्री पवन कुमार टीनू इस मुहिम की शुरुआत असी 1 अगस्त को अमृतसर तो की थी, अज 4 इतने जलंधर से। इसका मुख्य कारण है भी पंजाब सरकार जी हर मुद्दे पर फेल हो गई, पंजाब सरकार असफल तो निकम्मी साबित हो गई है, बल्कि हुण तो इदा महसूस हुंदा पंजाब सरकार ना की कोई चीज़ ही नहीं। पंजाब अज का जिहड़ा ये प्रदर्शन है विशेष करके शड्यूल कास्ट विभाग विद्यार्थियों की जी स्कालरशिप की रकम है वो सरकार खा गई है, उहदे करके बच्चों अज डिग्रियां नहीं मिल रही, करके कॉलेज एडमिशन भी बंद करती पंजाब से, बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का हो रहा। इस तरह ही बैकवर्ड क्लास के बच्चों का 40 करोड़ रुपया पंजाब सरकार 3 साल तो सामभ के बैठी है, वो भी नहीं दे रहा है। नाल ही 51,000 शगन स्कीम का कहा गया सी, वो भी नहीं हल तक जारी हुई, बल्कि शगन स्कीम तो 1 साल तो पुरानी भी नहीं मिली, जी बादल साहब के मिल मिलते बिजली के व्डे व्डे बिल आ रहे हैं, राशन जोड़ा केंद्र चो आया सी वो सरकार के इन्हों के MLA वो रल मिल के खा रहे हैं। सरकार आप ही कहती है 84 करोड़ रुपये का घपला है, ये 84 करोड़ का घपला नहीं, तुम किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को जांच कराओ, 1,000 करोड़ तो वादा राशन कांग्रेसी ये खुद पुरद कर गया। तो नाल ही बहुत ही एक मदभागी और सरकार की निलैखी करके जो अमृतसर जंडियाले तरन तारण के बटाले की जो घटना घटी है, 108 तो भी उपर लोग जोड़े मारे गए हैं, तो होर सैकड़े लोग जोड़े है वो सरकार दे करके सरकार माड़िया नीतियां करके वो बेचारे कोई अन्ना हो गया कि मेरी किडनी खराब हो गई। पर यह देखो माड़ा मोटा क्राइम तो पहला भी होंगे है, तो कोई पुलिस दखा के पिछले पास माड़ा मोटा कोई बोतल बेच गया, कोई कौआ बेच गया, इदा चलता, लेकिन एडे व्डे पद्धर से बी पूरे माझे च शराब बिकती सी और सैकड़े लोग मर गए, तो ये बिना सरकार के आशीर्वाद तो बिना सरकार की शह तो नहीं हो सकते। तो हुण साडी ये मंग है श्रोमणी अकाली दल की कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भई जे तुसीं शामिल नहीं इस नशे के काले धंधे, जे तुहाडे MLA शामिल नहीं, तुहाडे मंत्री शामिल नहीं, तो फिर तुम क्यों घबराने तुम इस कांड की जाँच जी वो जो सिटिंग जज जे हाई कोर्ट के उन्होंने दे दौ तो CBI दे दो, जो तुम जाँच नहीं देंगे, जो तुम अपने अफसर को जाँच कराओगे तो कैप्टन साहब वो कभी भी थोड़े MLA तो मंत्रियों का नाम नहीं लैन, तो तुम हम छोटे छोटे गलिया से दारू वेचण वाले तुम छोटे अधिकारी कोई हौलदार कोई ASI SHO तक तुम फड़ लए उन्होंने सस्पेंड करता, पर असल च एडा वड्डा काम जिहड़ा वो DSP SSP ते होर उच्च अधिकारियां ते कांग्रेस की शह तो बिना नहीं जा सकता, सो वो तुहाडे सिर ते आ, तुसी फेल साबित हो गए, तुहानू कोई फिक्र नहीं। अच्छा होर देख लो जसविंदर जी, जे सरकार ने महीना पहला जिहड़ी कांग्रेसी लीडर की फैक्ट्री नजायज़ फैक्ट्री फड़ी गई सी राजपुरे खन्ने, जे उदू बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई कार्रवाई की होंगी तो अज आ सैकड़े लोगों की जान हिरासत हुई, लेकिन सरकार तो फिक्र ही नहीं, सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं, इस करके लोग मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं,
लोग बीमारी नाल भी मर रहे हैं तो हम कांग्रेस की शराब नाल भी हैं। सो इस सरकार के खिलाफ अज पिंड पिंड शहर शहर जिला जलंधर से असं प्रदर्शन कर रहे हैं ता कि लोग जाग जान, लोगों को पता लगे भी ये उही अमरिंदर सिंह आ जिहड़ा गुटका साहब की सहु खा के तलवंडी सबको साहब वालों मूँह करके कहता सी मैं चार हफ्ते में नशा पीता। अज चार साल हो चले आज सैकड़े नौजवान मुंडे जड़े आ वो नशे की ओवरडोज नाल मारे गए, अज सैकड़े किसान खुदकुशियां करके मारे गए। तो अज इकट्ठा ही पहला दशहरे वाले दिन नवजोत सिद्धू की टीम ने मार दिते लोग, तो हुण इन्हां दे एमएलए ने इत्थे जलियाले तरनतारन सैकड़े लोग मार दिते आ। तो सरकार निकम्मी आ, एक कातल सरकार आ, उहदे खिलाफ असीं अज प्रदर्शन करदे। धन्यवाद। हम देखते हैं इन्होंने किए उपराले सरकार के काम से जो सकती है कि नहीं। जलंधर तो कैमरामैन विवेक के नाल जसविंदर बल की विशेष।